खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां एक बार फिर निजी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा को हवस का शिकार बनाया गया है। बताया जाता है कि फोन में हुई दोस्ती गहरी मित्रता में बदल गई और युवक ने नाबालिग छात्रा को उसी के घर में हवस का शिकार बना डाला। इतना ही नहीं, किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मुंह बंद रखने की हिदायत दी थी। दरअसल मामला रीवा शहर की सबसे पास कॉलोनी कही जाने वाली नेहरू नगर का है। तामान थाना पहुंची छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई तो घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल उठे। आनन फानन में समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने टीम के साथ दबिश दी और आरोपी को चंद घंटों में ही हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि आरोपी कोतवाली थाना क्षेत्र के लोही का रहने वाला रवि मिश्रा है, जो छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया, जहां से पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि महिला अपराधों में प्रदेश अव्वल में चल रहा है। वहीं बात करें रीवा जिले की, तो रीवा पुलिस प्रशासन भी महिला अपराधों को रोकने में कामयाब नहीं हो रहा है। आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं जहाँ आम हो चुकी है, वही नाबालिग किशोरियों को शिकार बनाया जा रहा है। इस तरह के मामले अगर हाई प्रोफाइल होते हैं तो आनन फानन में कड़ी कार्यवाही की जाती है, लेकिन सामान्य व्यक्तियों के मामले होने पर समाज सेवियों से लेकर समाज के ठेकेदार भी अपना मुंह बंद कर लेते हैं।